फेडरल गवर्नमेंट ने पाकिस्तान में दूध की प्रोडक्टिविटी और यील्ड बढ़ाने के लिए एक प्रोग्राम अनाउंस किया है जिसकी टोटल वैल्यू 30 बिलियन रुपए है और अगले चंद सालों में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इंपोर्ट करके हमारे जानवरों की दूध प्रोड्यूस करने की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने का प्लान है। मेरी राय में ये एक अच्छी डेवलपमेंट है। मैं पहले भी इससे बात कर चुका हूँ कि हमारे मुल्क में गवर्नमेंट का जो ज़्यादा रुझान है वो हिस्टोरिकली हेल्थ सर्विसेज, एनिमल हेल्थ सर्विसेज की तरफ रहा है और मैं ये बार बार इस चीज़ को एडवोकेट करता रहा हूँ कि फार्मर प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ रुझान करने की ज़रूरत है, यानी कि जो वेटनरी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं उससे हम अपनी सर्विसेज का स्कोप ब्रॉड करके ओवरऑल फार्मर की प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ फोकस करें, जिसमें एक तरफ उसकी यील्ड और प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट की बात की जाए और दूसरी तरफ उसकी मार्केट तक एक्सेस की बात की जाए। जब हम दूध की यील्ड और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की बात करते हैं तो उसमें डेफिनेटली ब्रीड इम्प्रूवमेंट एक बहुत अहम कंपोनेंट है, लेकिन ये वाहिद कंपोनेंट नहीं है। मेरी राय में इसके चार कंपोनेंट्स हैं जिसमें पहला ऑब्वियस कंपोनेंट तो ब्रीड इम्प्रूवमेंट ही होगा, लेकिन उसके अलावा इसके अंदर जो अगला कंपोनेंट है वो फीडिंग से रिलेटेड है। और इसमें एक तो नॉर्मल फीड जो जानवरों को फॉडर की शक्ल में अवेलेबल होती है, उसके अलावा सप्लीमेंट्री एंड फार्मूला फीड वगैरह को भी शामिल होने की ज़रूरत है ताकि वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिनकी कमी जानवरों में रह जाती है और उनकी इन कमियों की वजह से उनकी यील्ड अच्छी नहीं आती उनको भी पूरा किया जा सके। इसका जो तीसरा कंपोनेंट है वो वैक्सीनेटिंग से रिलेटेड है। जब आप अपने एक जानवर को वैक्सीनेट करवा लेते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से उसकी बचत हो जाती है, जिससे छोटे जानवर को अगर बीमारी हो जाए तो स्टंटेड ग्रोथ का वो शिकार होता है, दूध देने वाले जानवर को अगर बीमारी हो तो उसकी दूध की यील्ड ड्रॉप हो जाती है और मोर्टैलिटी हो जाए तो वो तो एक भरपूर नुकसान है फार्मर के लिए। तो वैक्सीनेशन जो है ये थर्ड और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसका जो चौथा कंपोनेंट है वो हाउसिंग से रिलेटेड है कि जानवर को किस किस्म की इन्वायरमेंट में रखा जा रहा है, सर्दी में उसको कैसे सर्दी से बचाया जा रहा है, गर्मी में उसको गर्मी से कैसे बचाया जा रहा है, तो ये हाउसिंग के अंदर उनकी सफाई सुथराई कैसे की जा रही है, तो ये सारा कुछ हाउसिंग में शामिल हो जाता है। तो इन चार कंपोनेंट्स का कॉम्बिनेशन से जो है वो प्रोडक्टिविटी और यील्ड जो है वो इम्प्रूव होती है, और मेरी राय में इन चारों कंपोनेंट्स को इस प्रोग्राम में ऐड करने की ज़रूरत है। मैं इसमें ये भी रिकमेंड करूँगा कि इस प्रोग्राम के अंदर प्राइवेट सेक्टर के इनपुट सप्लायर्स को भी इन्वॉल्व किया जाए। पाकिस्तान में तमाम इनपुट्स जिनकी अभी हमने बात की है उनको प्रोवाइड करने के लिए प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां ऑपरेट कर रही हैं। इसमें फीडिंग फीड बनाने वाली कंपनियां, सप्लीमेंट फीड, फार्मूला फीड बनाने वाली कंपनियां भी शामिल हैं। इसमें वैक्सीनेशन बनाने वाली कंपनियां भी मौजूद हैं। उसके अलावा ख़ासतौर पर ब्रीडिंग के हवाले से ऐसी रजिस्टर्ड सर्टिफाइड कंपनीज मौजूद हैं, ब्रीडर्स मौजूद हैं जो कि ना सिर्फ इम्पोर्टेड ब्रीड्स के लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन तैयार कर रहे हैं बल्कि उन्होंने लोकल पाकिस्तानी इंडिजिनस ब्रीड्स को भी इस हद तक डेवलप कर लिया है कि उनकी जो दूध की यील्ड है वो कंपेरेबल है टू द इम्पोर्टेड ब्रीड्स। तो इन कंपनियों को शामिल करने का फ़ायदा ये होगा कि आप इन कंपनियों की कैपेबिलिटीज़ की वजह से एक स्केलेबिलिटी अचीव कर सकेंगे, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां हैं और इन सब कंपनियों में से मतलब कम से कम जो बेहतर कंपनियां उनको शामिल करने से आप ज़्यादा स्केल पे ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकेंगे। दूसरी इसमें जो फ़ायदा है वो ये है कि ये सस्टेनेबिलिटी भी इसमें इंश्योर हो जाती है। इन कंपनियों के साथ जब आप काम करेंगे ओवर द ईयर्स इनकी कैपेबिलिटीज़ बढ़ती जाएंगी और अगर किसी स्टेज पर गवर्नमेंट अपनी सब्सिडी को फेज आउट करना चाहे तो इन कंपनियों में इतनी कैपेबिलिटी उस वक्त तक बिल्ट हो चुकी होगी कि ये अपना काम कंटिन्यू रख सके और फार्मर्स को ये सर्विस प्रोवाइड करते रहे। जहां फार्मर्स प्रॉफिटेबिलिटी पैराडाइम के अंदर एक तरफ प्रोडक्टिविटी और यील्ड इंप्रूवमेंट की जरूरत होती है, दूसरी तरफ उसको मार्केट एक्सेस को बेहतर बनाने की भी जरूरत होती है। अगर प्रोडक्टिविटी और यील्ड इंप्रूवमेंट से हम सरप्लस सप्लाई की सिचुएशन में आ जाए तो फार्मर को फायदा होने की बजाय प्राइस के ड्रॉप होने की वजह से नुकसान भी हो सकता है। अगर हम फार्मर को की एक्सेस टू मार्केट को भी साथ साथ बेहतर करते जाएं तो उससे ये रिस्क जो है इसको खत्म किया जा सकता है। एक्सेस टू मार्केट को बढ़ाने के लिए
जहां एक तरफ हमें वैल्यू एडेड सेक्टर्स को इनकरेज करने की जरूरत है, जिसमें चीज़ मैन्युफैक्चरिंग, बटर मैन्युफैक्चरिंग, ड्राइड मिल्क और इस किस्म के सेक्टर्स को इनकरेज करने की जरूरत है, वहां दूसरी तरफ हमें एक्सपोर्ट प्रमोशन के ऊपर भी एफर्ट करनी पड़ेगी, ताकि हमारी मिल्क और मिल्क की वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जो है ना सिर्फ वो पाकिस्तान के अंदर सेल हो सकें, बल्कि हमारी जरूरत से ज़्यादा जो हम प्रोड्यूस करें हम उसको दुनिया की दूसरी मंडियों तक भी लेके जा सकें।